पता है पबजी के अंदर एक ऐसा मोड आया था जो तुम्हें हैंगर बना दे। एक बार स्पीड देखो भाई। और भी कुछ मोड जिनकी आज हम लोग बात करने वाले। स्टार्ट करते सबसे खतरनाक भाई। एक बार लॉबी की हालत देखो, भवंडर आके उड़ा के ले जाए, इतना ही बाकी था खेला है। लॉबी कम भाई, किसी के फाड़ने लायक सिचुएशन बना दिए इन लोगों ने। और अगर तुम पीछे देखोगे तो ये अपना गॉडज़िला जो कि पाद मारने के लिए रेडी है। ओ भाई साहब मुंह से पाद मार दिला ये। तो ये बात है उस जमाने की जब पबजी में जंगली जानवर घुस चुके थे एक हड़काले बंदर के साथ। विकसित छिपकल्ला, माफ करना जो भी गॉडज़िला के फैन है। इसकी लॉबी हमको कुछ ऐसे देखने को मिल जाती थी। और ये वाला मोड बहुत सारे लोगों का फेवरेट रह चुका है। मैप में ही हमें गॉडज़िला चलता हुआ देखने को मिल जाता है। उस टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई एक जंगली छिपकल्ला मैच में कि भाई गॉडज़िला जैसी एक बड़ी भयानक चीज खुलेआम फिर लिए मैप के अंदर। ये क्या इसके पिछवाड़े में क्यों घुस रहा है? ओ भाई घुस गया कैसे? तो भाई अगर इसके पैरों के नीचे गड्डी आ, ओ पूछ पूछ का चाटा नहीं पड़ा। अब साथ तुम बोलोगे ये तो दिखावड़े का छिपकर गॉडज़िला है, लेकिन ये चलते फिरते कहीं भी अपना जो गुस्सा है ना उसको निकाल देता है। इतनी दूर होने के बावजूद ये बंदा 1 HP हो गया। साथ में हमें मैप के अंदर ये वाली चीज भी देखने को मिल जाती है। अब जब मैं पहली बार इसके अंदर बैठा था ना तो मैं खास नाइपर उठा के लाएला कि इधर से भाई ऊपर हवा में जाएंगे और फिर चलाएंगे। बट फिर मेरे को पता लगी इसकी रियलिटी। हवा में जाने के बाद अपने पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है गन निकाल के शूट करने का। बट रैंक पुशर्स वगैरह के लिए बहुत सही था। उस टाइम तो बंदों को भाई इतने बड़े नेट फेंकते भी नहीं आते थे और भाई इतने ऊपर कौन ही नेट फेंकने का है। बट हमें भाई गन यूज करने का ऑप्शन देना चाहिए था इन्हें। साथ में इधर हमको बिच्छू मकोड़े भी देखने को मिल जाते हैं। भाई कितना खतरनाक है। एक बार देखो उस टाइम पे गेम वालों को डराना आता था बच्चों को। ये किसी हॉरर सीन से कम नहीं लग रहा था। वो भागते भागते घर को आया और ये कहीं भी भाई पैदा हो जाते। वो देखो बिच्छू मकोड़ा चला अपना शिकार पे। भाई उसको छोड़ो, ये बंदा घर के बाहर कैसे निकलेगा वो सोचो। इनकी HP बहुत ज्यादा होती थी। इसको मारने से बेहतर तो ये नई गेम स्टार्ट कर लेते। और ये था गाइस अपने गॉडज़िला मोड का इवेंट। जिधर साइड से गॉडज़िला निकलता है वो मकड़ा लाल इससे मजा नहीं, और ये गॉडज़िला को ऊपर गोली चला देता है। क्या गेम प्ले था भाई उस टाइम के बंदों का। तो क्या चुपके जा रहे आप देखते हो भाई, मार पाता है नहीं। ओ सामने ही बंदा, मार मार अबे चला। ओ यस मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूं। वैसे कैसे अगर तुम्हें भी कुछ मोड्स पता जो पहले के टाइम पे PUBG के अंदर खेला करते थे तो प्लीज उसे कमेंट के अंदर लिख के मुझे बताना ताकि हम लोग आगे वाले वीडियोस के अंदर उसके ऊपर बात कर सके। और एक सेकंड भाई ये क्या आ गया? PUBG वालों ने तो भाई पूरा शो बना के रख दिया था गेम के अंदर। चलो भाई देखते अब होगा क्या आगे। गॉडज़िला इसके गुद्दे कैसे तोड़ता मेरे को वो देखना। चल चल मार। ये लोग कुछ करेंगे भी या बस चिल्लाते रहेंगे? ओ गॉडज़िला, ओ कुछ होगा कुछ तो होगा। Let's go! भाई! और गुदुल्ला गॉडज़िला के सामने वैसे बेचारे के लिए मेरे को चलो गए आप क्या ही बुरा लगना। वैसे जो गॉडज़िला था वो प्लेस के ऊपर भी अटैक करता था। और अब बस तुम देखो ये हॉट टॉप का क्या हाल होने वाला है। वो हॉट डॉग के प्लेयर जिंदा भी है यानी। पहले के टाइम के मोड्स ना गाइस बहुत सही हुआ करते थे। हमें उस इवेंट के ऊपर कुछ लाइव एक्शन देखने को मिलता था। बट अभी शायद इनको लगता है कि प्लेयर्स मार धाड़ करने में ज्यादा बिजी है। वैसे गॉडज़िला के सामने जो बहुत उछलने लगा था हम उनके अड्डों पे जाकर उनको भी मार सकते हैं। फिर दुम दबा के अपनी जान बचाने के लिए भागना। मैंने जितनों के भी गेम प्लेस देखे ये लोगों ने सच में जुरासिक पार्क जैसा एनवायरमेंट बना के रख दिया है। प्लेयर्स के ऊपर दहशत बना के बैठे ही है। हाँ इनको मार के तुम्हें लूट मिल सकती है बट उस टाइम पे कोई पंगे लेता ही नहीं था। लेने के देने पड़ जाएंगे नहीं तो। वैसे अगर तुम्हारे दिमाग में ये वाला आइडिया आया गॉडज़िला किसी गड्डी वड्डी पे पैर रख दे तो वो सब छोड़ो साला यहाँ पे ये क्या होने लाए। ओ भाई पूरी गाड़ी अटक गई। तो देखो अगर तुम गॉडज़िला के सामने गड्डी लेके जाओगे चलो अगर BRDM लेके चले गए तो जिसकी HP नॉर्मल गाड़ी से तो ज्यादा ही होती है। लेट्स सी देखते क्या होता है। पैर हिलाने की मेहनत भी नहीं किया गॉडज़िला ने। हाँ, पैसे जलाने के लिए स्किन भी आई थी। वैसे क्या तुम जानते भी हो इस वाले अपडेट के अंदर एक ऐसी चीज ऐड हुई थी ना जिसका यूज हम लोग आज भी करते हैं और वो है ये गड्डी जिसको हम बहुत ज्यादा चलाते रहते हैं गेम के अंदर। वो इसी गॉडज़िला वाले अपडेट के अंदर न्यू ऐड हुई थी और आई थी जिसको लोग सुपर कार बोलते थे। और अब अपन लोग फाइनली आते हैं हैकर वाले अपडेट पे जो कि गॉडज़िला के टाइम ही ऐड हुआ था लेकिन सैनहॉक वाले मैप में जहाँ पे हमें गॉडज़िला नहीं बल्कि उसका दुश्मन किंग कॉन्ग देखने को मिलता था। अब यहाँ पे स्पेशल पता क्या था, किंग कॉन्ग कुछ क्रिस्टल फेंकता था। एरेंगल में गॉडज़िला ही फेंकता ही था बट उसकी पावर ऐसा लगता था ग्रेनेड बस ज्यादा पावर के साथ अपन फेंक दे ले जो कि बुरा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि भाई वो वॉल के आर पार भी डैमेज देता था। और अब तुम देख सकते हो भाई एनिमी के ऊपर आग लग गई। बट भाई ये हड़काई ले जंगली बंदर ये किंग कॉन्ग के क्रिस्टल में जो पावर्स थी वो तुम बस देखो। तो उसको लेने के लिए हमें गॉडज़िला के आसपास भटकते रहना पड़ता है क्योंकि क्या पता वो उसको कब हक दे। और सच्ची में वो हकता था तभी जाके क्रिस्टल निकलता था। कितने लोग तो मैच की
स्टार्टिंग में गन उठाए बिना यहाँ के किस्टे उठाने आ जाते थे। मैं खुद भी आया था, मैंने देखा था भाई कितने नंगे लोग फेदे, मतलब बिना हाथ, बिना गन के हाथ, अरे बिना गन के इधर भटक रहे थे, उनको कुछ काम धंधा ही नहीं था। लो भाई इस वाले गेम प्ले में देख लो, सारे भूखे सिंघे बन चुके क्रिस्टल के लिए, क्योंकि जब तुम इसका यूज करते थे तुम्हारे पास हैकर वाली शक्ति आ जाती थी। मतलब एक बार स्पीड और जंप को देखो, कौन से एंगल से तुम्हें लगता है एनिमी मार देगा ऐसे बंदे को, तुम सीधा एक घर से दूसरे घर के छतों पर छलांग मार सकते हो। वैसे यहाँ पे भी हमें किंग कॉन्ग कुछ एक्टिविटीज करते हुए देखने को मिल जाता है, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह फेंकना। अरे छिपकले को कुछ काम धंधा नहीं है इनको उंगलियां करने के अलावा, गुस्सा होकर इवेंट ही तोड़ देना ताकि बाद में तुम अंदर जाके भी लूटपाट कर सको, और सबसे इम्पोर्टेंट क्रिस्टल को हगना। तो इस टाइप में बहुत मजा आता था कि तुम्हें एक तरह का स्पीड है कि मिल चुका है, और तुम गेम प्ले देख के पता लगा सकते हो कितना ब्रोकन है। वो सब छोड़ो भाई, इसका बैकपैक देखो। अब एक और ऐसा मोड ऐड हुआ था जिसमें गॉडज़िला किंग कॉन्ग टाइप का एक बड़ा रोबोट हमें देखने को मिलता था, और ये कोई एनीमे का कैरेक्टर है। अब ये ना किसी एक अनजान प्राणी से लड़ता फिरता है, उस पर हम बाद में आएंगे। जब पबजी वालों ने इस वाले इवेंट की स्किन निकाली थी तब जो इनके एनीमे के कैरेक्टर्स थे उनकी दे दी, जिनको साथ लोग बाई कर रहे हैं। बट चाइनीज वाले वर्जन के अंदर जो ये वाली स्किन है वो तो इन्होंने नाखी नहीं, हो सकता है कैरेक्टर ही पे टू बी नो, क्योंकि अगर तुम इसके वीडियोस देख लोगे तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। मोस्टली टाइम हो सकता है कि जो एनिमीज हो वो इसी के दोस्त हो, बट उसके बाद भी भाई जो टाइमिंग वगैरह चाहिए ऐसा स्टंट वगैरह करने के लिए उसमें तो इसको मेहनत लगी होगी। तो वही सोच ला भाई पबजी के अंदर ये कभी स्किन मैंने देखी ही नहीं, और अब मुझे पता लगा कि कभी आई नहीं है। बाकी तुम्हें क्या लगता है पेटू ही नहीं है? इसकी बॉडी को बहुत ही पतला बनाया गया है तो साथ से स्पॉट करने में या फिर इसके सामने लड़ने में डिसएडवांटेज आ जाए, तो पबजी वालों ने इसको रखा ही नहीं। और अब ये देखो, अब मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है बट साथ से इसी वाले इवेंट के अंदर ऑटो रिकॉल ऐड हुआ था, रिस्पॉन कार्ड मर के सीधा जिंदा हो जाना, जो कि बहुत ही बढ़िया फ्यूचर था। नहीं इसलिए नहीं कि हम मर मुदा जाओ वापस जिंदा होके आ जाए, बल्कि एनिमी वापस जिंदा होके आए जिनको हमने मार दिया है और वापिस आके अपने से ही मरे ताकि अपने को डबल किल मिले। इसका मेन पॉइंट तो हॉट ड्रॉप ही था और बहुत ही सही सही किल निकाले थे अपने ने। यही वो इवेंट है जहाँ पे मैंने एक हैकर को मारा था, अबे हैकर है भाई, और वो भी कोई सिंपल तरीके से नहीं बल्कि स्टाइल में मारा था। और इतना ही नहीं, जब ये रिस्पॉन होकर वापिस आया तब भी इसको मैं नहीं मारा, टीममेट को तो क्या होता था। तो अब देखते हैं मैं क्या करता हूँ, पहले तो ग्रेनेड कुक किया, साले को सब पता है भाई, तो थोड़ा फ्लैश डैमेज पड़ा होगा ग्रेनेड का, जैसे ही वो फटा वैसे मैं निकलूंगा। ओ भाई क्या मारा, और इतना ही नहीं पता नहीं इसका टीममेट और कहां से आ गया, बट मैंने पहले इसको ही फिनिश किया। तो काफी अच्छे गेम्स गए थे इस वाले सीजन में। बाकी एक और चीज जो बहुत ही मेन थी इसके अंदर वो था जोन, स्टार्टिंग से हमें बहुत छोटा जोन देखने को मिलता था जिससे हर जगह पे तुम्हें फाइट ही फाइट मिले तो मजा बहुत आता था। और इधर का जो मेन हॉट ड्रॉप था ना गाइस, उसके जो ऊपर के फ्लोर थे वो कुछ टाइम बाद खुलते थे, नहीं कोई दरवाजों की तरह नहीं खुलते थे बल्कि बेचारे को फोड़ दिया जाता था, और वो ऊपर कौन बैठा है उसका तो करियर ही खत्म। अबे भाई स्कैम हो गया, ये देखो कितनी जल्दी मारने जा रहा है। तो ये वाला जो ऊपर का फ्लोर है वो खुल जाता था जिससे बहुत सारी एक्स्ट्रा के हमें लूट करने को मिल जाए, और ये बेशरम आदमी एनिमी के सामने लूट रहा है, और एनिमी को कुछ पता भांग के नशे में वो। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी गॉडज़िला किंग कॉन्ग जैसे रोबोट की, अब मैंने एनिमी देखा नहीं है तो ये शायद रक्षक है या भक्षक वो नहीं पता। तो ये आता है अपनी AWM उठाता है, ये साला क्रैश लैंडिंग अपने ऊपर ही तो नहीं करी, तो वहां पे कोई एलियन की शिप है, कौन से एंगल से शिप लग रही है, बट अब वो शिप ही है तो शिप ही है वो, मतलब UFO। अब देखो अपना बंदा मतलब अपना हीरो क्या करेगा, उठा ले भाई इतना टाइम क्यों लगा देगा गन उठाने में, आधा शहर ऐसा ही मर जाएगा। अभी भी नहीं उठा देना ये, अबे किसका वेट कर देना है, चलो फाइनली उठाई ली। तो अब देखते कौन जीतता है, वो स्पेसशिप बस अपने आकार ही बदलते जा देना है। ओ भाई चलिए AWM, डैमेज पड़ा लगता है उसको, अब वो जवाबी हमला देने के लिए तैयार, और ये बूम, कितना गंदा निशाना था बे। ओके लगता है दोनों फाइनल शॉट के लिए जा रहे, क्या लगता है गाइस कौन जीतेगा। ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, और भाई AWM जीत गई, खत्म एलियन शिप, वैसे वो शिप के नाम पे धब्बा था। आई होप तुम्हें आज के वीडियो में मजा आया होगा, आया हो तो उसको दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना बताओ अगर तुम्हें भी कुछ मोड्स पता हो। बाकी मैं मिलता हूं तुमको अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।